बचपन 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। इस तकरीब रुनुमाई और जश्न साले में ताबिश के भी नसारवा का इंतखाब करते चले, ऐलान सदारत पेश करने के लिए मैं इजरा कमेटी के सीनियर रुकन लई अनवर साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और ऐलान सदारत पेश करें। जनाब लई अनवर साहब, कुंजे अदब के जेरे इहतमाम जश्न साले में ताबिश और रस्म इजरा अकरीब इजरा के लिए मुजव्वजा सदारत का नाम शहर की मारूफ शख्सियत डॉक्टर सईद अहमद पालनी साहब का की तजवीज आई थी, मैं उसी का ऐलान करता हूँ और आप तमाम लोगों की तारीफ से सामीन की तारीफ से सदर मौसूम से गुजारिश करूँगा कि इजाजत मरहमत फरमा कर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की इजाजत मरहमत फरमाए। शुक्रिया। और उनका पहला शेरी मजमुआ अंदर का मौसम, इसकी रुनुमाई की तकरीब में सदर मोहतरम मुअज्जज मेहमानान मुअज्जज तबसरा निगारान और आप सभी सामईन इकराम का पुरतपास मकदम है। आज की इस पुरवकार मजलिस की सदारत फरमा रहे हैं शहर के मारूफ सज्जन अदब नवाज डॉक्टर सईद अहमद पारानी साहब। इसी के साथ साथ स्टेज पर तशरीफ फरमा है अंजुमन मोइनुल तलबा के चेयरमैन अलहाज इसहाक सैयद ज़रीवाला साहब, सालेह इब्ने ताबिश साहब के शागिर्द रशीद जनाब अलहाज कुरैशी मुख्तार अहमद मोहम्मद ईसा साहब। आज इस किताब की रुनुमाई के सिलसिले में हमारे दरमियान शहर की मशहूर इल्मी व अदबी शख्सियत माहिर लिसानियात सलीम शहजाद साहब, इसी तरह फन खताती से इस शहर को मुतारिफ कराने वाले और इस शहर की उर्दू रस्म अल-खत को न सिर्फ शहर अजीज में बल्कि रियासत और मुल्क भर में अपनी फन खताती से शहर का नाम रोशन करने वाले निसार पेंटर साहब, रशीद आर्टिस्ट साहब और इस शेरी मजमूए पर अपनी गिरामद राय और तबसरा पेश करने के लिए मौजूद है जनाब जमील क्रांति साहब, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मशाहिद रिजवी साहब और जनाब नई अनवर साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। ये वो मौजूद शख्सियात है जो समाज और माशरे में तालीम और अदब के मैदान में अपनी गिरामद्र खिदमात के हवाले से मशहूर और मारूफ है। आप सभी हजरात इनके इल्मी कारनामों से बखूबी वाकिफ है, इसलिए बहुत तफसीली तारुफ पेश न करते हुए इनके खिदमत के कुल तहनियत देकर आज कुंज अदब की जानिब से और खानवादाए सवाले इब्ने ताबिश की जानिब से तमाम ही मुअज्जज मेहमानान का यहाँ पर मकदम किया जाता है, उनका इस्तकबाल किया जाता है। सबसे पहले आज की तकरीब के सदर मोहतरम डॉक्टर सईद अहमद पारानी साहब की खिदमत में गुल तहनियत पेश करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ जनाब शफीक सरदार साहब को कि तशरीफ लाएं और तकरीब के सदर मोहतरम के खिदमत में गुल तहनियत देकर उनका इस्तकबाल। इसी तरह आज की इस तकरीब के मेहमान खास अंजुमन मोइनुल तलबा के चेयरमैन अलहाज इसहाक सैयद ज़रीवाला साहब की खिदमत में गुल तहनियत पेश करने के लिए मैं जहमत दूंगा डॉक्टर शहरोज खावर साहब को के तशरीफ लाए और इसहाक सैयद ज़रीवाला साहब के खिदमत में गुल तहनियत देकर उनका इस्तकबाल करूंगा। आज की इस तकरीब में इस किताब की रुनुमाई फरमाई है माहिर लिसानियात अदारे बाल भारती की मजलिस अदालत के रुकन जनाब सलीम शहजाद साहब, मलिक अनवर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सलीम शहजाद साहब के खिदमत में बुले तहनियत देकर उनका इस्तकबाल करें।
इसी तरह आज की इस किताब के सरवर की रुनुमाई फरमाई में जनाब रशीद आर्टिस्ट साहब, मैं गुजारिश करूंगा इजरा कमेटी के रूप में जनाब अतीक शाबान साहब से कि वो रशीद आर्टिस्ट साहब के खिदमत में बोले तहनियत देकर उनके इस्तकबाल करें। इसी तरह से इस किताब के एक हिस्से की रुनुमाई फरमाई गई हमारे बुजुर्ग पेंटर निसार अहमद साहब, मैं जनाब ओसामा डॉक्टर इब्ने आदम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो पेंटर निसार साहब की खिदमत में बोले तहनियत देकर उनका इस्तकबाल करें। इस किताब में अपने गिराम कदर तासुरात का इजहार किया है जनाब शबीर हाशमी साहब ने, मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम शफीक सरदार साहब से कि वो शबीर हाशमी साहब की खिदमत में बोले तहनियत देकर उनका इस्तकबाल करें। इसी तरह आज हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है इरम प्री प्राइमरी व प्राइमरी स्कूल के सुबुकदोश हेडमास्टर, रहमानी गर्ल्स प्री प्राइमरी प्राइमरी व हाई स्कूल के रूए रवा अलहाज कुरैशी मुख्तार अहमद मोहम्मद ईसा साहब, मैं मुश्ताक अहमद मुश्ताक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो कुरैशी मुख्तार अहमद मोहम्मद ईसा साहब की खिदमत में गुले तहनियत देकर उनका इस्तकबाल करें। इसी तरह आज इस किताब के एक हिस्से पर अपना गिरफ्तार जो तबसरा पेश करेंगे जनाब जमील क्रांति साहब, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं, गैर मकदम करते हैं। मैं रुकने इजरा कमेटी निदा फारूकी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जमील क्रांति साहब की खिदमत में गुले तहनियत देकर उनके इस्तकबाल करें। इसी तरह इस किताब पर अपना तबसराती मजमून पेश करेंगे डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुशाहिद रिजवी साहब, मैं डॉक्टर इब्ने आदम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मुशाहिद रिजवी साहब की खिदमत में गुले तहनियत देकर उनके इस्तकबाल करें। इसी तरह इस किताब के एक हिस्से पर अपना गिराम का तबसरा पेश करेंगे लईम अनवर साहब, मैं डॉक्टर शहरोज खावर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो लईम अनवर साहब की खिदमत में गुले तहनियत देकर उनका इस्तकबाल करें। हाजिर मोहसस मेहमानान के इस्तकबाल के साथ साथ आप सभी सामईन इकराम का भी इस बज्र में हम सैर मकदम करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। जमाना बड़ी तेजी से तब्दील होता जा रहा है, वक्त के तब्दील होने के साथ साथ कदरें भी तब्दील होती जा रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बदलते जमाने के साथ साथ अपनी कदरों को कभी तब्दील नहीं होने देते। साले इब्ने ताबिश एक ऐसी ही शख्सियत का नाम है जिसने जमाने को तब्दील होते हुए देखा, कदरों को बदलते हुए देखा, मगर हजरत साले इसमें बामुसम्मा रहे, कभी भी अपनी अखलाकी कदरों को उन्होंने पामाल नहीं किया, ना ही बदलती कदरों के साथ अपने आप को तब्दील किया, बल्कि साले हजरत को विरासत में मिली कदरों को आज तक सीने से लगाए हुए हैं। एक तवील अरसा आपने दर्स तदरीस में गुजारा, नहायत ही इहमाल और जिम्मेदारी के साथ अपने तदरीसी फराइज को अंजाम दिए। तदरीसी फराइज के साथ साथ साले हजरत ने अपने शौक सुखन को भी जारी रखा, कुदरत ने जहां उन्हें शौक सुखन अता किया था वहीं आपको तरन्नुम भी अता किया था। आप अपने इस फन में हमेशा से मुनहबिक रहे, इस फन की आबियाई करते रहे, अपने असातिज़ा से जो कुछ भी इक्तसाब किया अपने तलबा तक पहुंचाते रहे, तदरीस के दौरान तदरीसी जिम्मेदारियों को कमाकर अदा करते रहे, और तदरीस के शोबे से जो कुछ भी वक्त मिलता उसे जौके मुतालिया की नजर कर देते, असातिज़ा से और अपने सरपरस्तों से
जो शौक सुखन सीखा उसी हवाले से मुसलसल तबा आजमाई करते रहे। शहर की मुख्तलिफ अदबी नशिस्तों में अपने कलाम बलागत से सामईन को महसूस करते रहे। आपके शेरी हिस्से में जहां हमद नात और मुनाजात शामिल है वहीं गजल का रंग भी पाया जाता है। आज आपका पहला शेरी मजमुआ यहां पर मंजर आम पर आना चाहता है। इससे कब लगे इस शेरी मजमुए की रुनुमाई हो, हम चाहते हैं कि जश्न सवाले के तहत सवाले हजरत की जिंदगी के कुछ अहम हिस्से आप सामईन तक पहुंच सके कि सवाले हजरत महफिलों में किस तरह से अपना रंग जमाने में कामयाब रहे और तदरीस में किस तरह से अपने तलबा का दिल जीतने में कामयाब रहे। आज सिर्फ दो शख्सियात उनकी मजलिसों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और उनके तरीके तंदीस के हवाले से। तो आइए पहले हम उनकी मजलिसों के हवाले से गुफ्तगू आपके सामने पेश करें। आपके हमसर रहे हैं मोहतरम जनाब हफीजुर रहमान साहब, मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के सुबोध प्रिंसिपल। अलालत के बाईस आज इस तकरीर में शरीक नहीं है लेकिन उनका तहरीर करदा मजमून हमारे पास मौजूद है। मैं रुकन इजरा कमेटी जनाब अतीक शाबान साहब से मुल्तमिस हूं कि यहां तशरीफ लाए और जनाब अजीजुर रहमान साहब का तहरीर करदा मजमून आपके सामने पेश करें। बचपन पचपन और पचानवे हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल, रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।